नंबर 26 प्रवाल भित्ति। प्रश्न 1, प्रवाल क्या है? ए एक वन काष्ठ, बी एक समुद्री जीव, सी एक जड़ी बूटी, डी एक स्थलीय जीव। उत्तर है बी एक समुद्री जीव। प्रश्न 2, प्रवाल भित्ति है ए जीवों द्वारा निर्मित एक समूह, बी समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति, सी ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित एक गर्त, डी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाया जाने वाला एक घास। उत्तर है बी समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। प्रश्न 3, प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है ए गहरा सागर, अवसाद युक्त जल, कम तापक्रम, बी उथला सागर, अवसाद युक्त जल, सामान्य तापक्रम, सी उथला सागर, अवसाद युक्त जल, अधिक तापक्रम, डी गहरा सागर, अवसाद युक्त जल, सामान्य तापक्रम। उत्तर है बी उथला सागर, अवसाद युक्त जल, सामान्य तापक्रम। प्रश्न 4, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? ए उष्णकटिबंधीय महासागर, बी शीत कटिबंधीय महासागर, सी शीतोष्ण कटिबंधीय महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए उष्णकटिबंधीय महासागर। प्रश्न 5, कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? ए 70 डिग्री फॉरेनहाइट से 80 डिग्री फॉरेनहाइट, बी 65 डिग्री फॉरेनहाइट से 70 डिग्री फॉरेनहाइट, सी 50 डिग्री फॉरेनहाइट से 60 डिग्री फॉरेनहाइट, डी 60 डिग्री फॉरेनहाइट से 80 डिग्री फॉरेनहाइट। उत्तर है बी 65 डिग्री फॉरेनहाइट से 70 डिग्री फॉरेनहाइट। प्रश्न 6, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए? ए 22% से 27%, बी 27% से 32%, सी 32% से 37%, डी 37% से 42%। उत्तर है बी 27% से 32%। प्रश्न 7, प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं? ए 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य, बी 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य, सी 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तथा 15 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य, डी 20 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य। उत्तर है ए 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य। प्रश्न 8, जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है? ए वलयाकार प्रवाल भित्ति, बी अवरोधक प्रवाल भित्ति, सी तटीय प्रवाल भित्ति, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी अवरोधक प्रवाल भित्ति। प्रश्न 9, किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? ए तटीय प्रवाल भित्ति, बी अवरोधक प्रवाल भित्ति, सी एटॉल, डी इनमें से सभी। उत्तर है सी एटॉल। प्रश्न 10, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? ए एटॉल, बी कयाल, सी कारवा, डी बोट चैनल। उत्तर है डी बोट चैनल। प्रश्न 11, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए गार्डिनर, बी डार्विन, सी मर्रे, डी डेली। उत्तर है बी डार्विन। प्रश्न 12, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए डाना, बी डेविस, सी डेली, डी जॉली। उत्तर है सी डेली। प्रश्न 13, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है?
ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, बी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, सी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर, डी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। प्रश्न 14, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? ए 600 किलोमीटर व 200 किलोमीटर, बी 1000 किलोमीटर व 300 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर व 100 किलोमीटर, डी 1900 किलोमीटर व 160 किलोमीटर। उत्तर है डी 1900 किलोमीटर व 160 किलोमीटर। प्रश्न 15, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? ए वलयाकार प्रवाल भित्ति, बी अवरोधक प्रवाल भित्ति, सी तटीय प्रवाल भित्ति, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी अवरोधक प्रवाल भित्ति। प्रश्न 16, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली, बी स्थिर स्थल सिद्धांत जॉन मर्रे, सी अवतलन सिद्धांत डॉर्विन, डी अवरोधक भित्ति सिद्धांत डब्लू पी जॉन। उत्तर है डी अवरोधक भित्ति सिद्धांत डब्लू पी जॉन। पृष्ठ 309।